रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स मामले पर बड़ी खबर आई। खबरों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने कई बार बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान से ड्रग्स लिया है। सारा ने कई बार रिया से ड्रग्स लिया है। खबरों की माने तो सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर के कॉन्टेक्ट में थी, जिसकी एनसीबी तलाश कर रही है। सारा से ड्रग्स लेकर रिया ने सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया। सुशांत सिंह राजपूत के हादसे से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और ऑफिसर्स ने बताया है कि 6 आरोपियों की पहचान करमजीत सिंह आनंद, डिवेन फडणवीस, संकेत पटेल, अंकुश अरनेजा, संदीप गुप्ता और आफ्ताब फतेह अंसारी के तौर पर हुई है। जांच के दौरान इन सब ने नाम सामने आने के बाद उन्हें पकड़ा गया है। उन्होंने बताया है कि ड्रग्स पर कंट्रोल से रिलेटेड NDPS कानून के तहत सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आनंद ड्रग्स की आपूर्ति करता था, आनंद ड्रग्स का जुगाड़ करता था, जिसका जुड़ाव फिल्म बॉलीवुड की इंडस्ट्री के साथ था। फडणवीस गांजा और चरस को बेचा करता था और वो रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक के साथ रहता था। एनसीबी को शक है कि फडणवीस ने ड्रग्स क्या जुगाड़ किया था, जिसका जुगाड़ सुशांत सिंह राजपूत के लिए किया गया था। तो ये है पूरी सच्चाई, जहां पर सारा अली खान काफी बड़े ड्रग पेडलर के कॉन्टेक्ट में है और उस सारा अली खान ही ड्रग्स दिलवाती थी रिया चक्रवर्ती को। नेक्स्ट नाइन लाइट से रजनी की रिपोर्ट।